नमस्कार। अपन टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले थे फ्यूरेन की स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। फ्यूरेन की जो स्ट्रक्चर है, हमने इसकी वीबीटी स्ट्रक्चर को देखा। इसके बाद में हमने फ्यूरेन की जो सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जाना। और उस स्ट्रक्चर को जानने के बाद में आज हम बनाने वाले हैं फ्यूरेन की पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को। जी हाँ, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जो सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है फ्यूरेन की, इसके ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने पूर्व में ही बना ली है ये स्ट्रक्चर, हमने समझा ली थी कि किस प्रकार से ये आई है ये स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, sp2 और यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन के पास में एक ऐसा ऑर्बिटल्स है जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है, और वो कौन सा है भाई? 2p z वाला ऑर्बिटल्स यहाँ पे उपस्थित ऐसा है। यानी कि ये जो 2p z वाला है, ये किस क्या क्या कर रहा है? इसने संकरण में भाग नहीं लिया है, यानी कि ये क्या है? 2p z के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग हो रही थी और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन के पास में 2p z के अंतर्गत ऐसा था, इतने ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिसने संकरण में भाग नहीं लिया था, जबकि दो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिसने संकरण में भाग लिया था। यानी कि इनको मैं संकरित कक्षक बोल रहा था, या संकरित कक्षक। यानी कि ये कौन सा था भाई? sp2 वाला था, और दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर ऐसा था जिसने संकरण में भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से प्रत्येक यहाँ पे एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्डों का फॉर्मेशन इस रिएक्शन के दौरान होता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर को, यदि मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर हमने तैयार कर ली है, ये देखिए, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए हमने। इस प्रकार से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में देखिए ये दो लोन पेयर हैं। इस प्रकार से ये वाले हैं जो 2p z वाले हैं, जबकि ये क्या है भाई? संकरित है। इसलिए आपको अब समझ में आया होगा, हमने वहां पे इन दो लोन पेयर्स को काउंट संकरण ज्ञात करने में क्यों नहीं किया था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि देखिए प्रत्येक के पास में हाइड्रोजन है। इस प्रकार से ये सिग्मा सारे के सारे कौन से बॉन्ड है भाई? ये वाला सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्डों की स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे जान लिया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भी सिग्मा बॉन्ड है हमने यहाँ पे बना दिए हैं, कि सारे के सारे जो सिग्मा बॉन्ड है हमने यहाँ पे बना चुके हैं। यानी कि ये जो हाइड्रोजन वाला है, ये वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों का फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पाई बॉन्डों का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ, पाई बॉन्ड हमें यहाँ पे आज बनाना है, और किस प्रकार से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, प्रत्येक बात आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। तो हमें ये पता है कि प्रत्येक कार्बन के 2p z के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन शेष है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इस प्रकार का है कि इसके पास में एक लोन पेयर उपस्थित है। तो हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन उन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है। जी हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से यहाँ पे जो कक्षकों की ओवरलैपिंग होगी, ऐसे कक्षकों के बीच में समपार्श्विक प्रकार की ओवरलैपिंग होगी जिन्होंने यानी कि संकरण में भाग नहीं लिया है। तो यूं कह सकता हूं कि यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर, सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। आज हम करते हैं पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जी हाँ, आज का टॉपिक डालिए आप फ्यूरेन की पाई कक्षकीय संरचना, या स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, और कौन सी भाई? लाइक पाई, यानी कि पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। इस स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूं, और इसके बाद में हम पाई की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं।
ये स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, केवल हमें बॉन्ड को दर्शाना है और वो बॉन्ड कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। तो मैं पहले बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए दो पाई बॉन्डों का फॉर्मेशन होगा और किस प्रकार से होगा ये हम आज जानने वाले हैं। तो ये वाला पाई और ये वाले पाई बॉन्ड की हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। देखिए ये हाला हमारे पास में कार्बन है, ये कार्बन है, इस प्रकार से इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम यहां बना पाते हैं। ये ऑक्सीजन हमें पता है कि प्रत्येक, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड तो हमने बना लिए थे, यहाँ पे मैं सिग्मा बॉन्डों को तो रिप्रेजेंट कर देता हूं इस प्रकार से। ये सारे के सारे कौन से हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड है। हमने हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डों को अभी प्रदर्शित नहीं किया है, वरना हमारी स्ट्रक्चर थोड़ी सी असंगठित प्रकार की हो जाएगी, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो हम हाइड्रोजन्स को यहाँ पे हमने सिग्मा ऑर्बिटल्स में देख लिया था, यहाँ पे हमने कार्बन की स्ट्रक्चर तरीके से बने, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, इन सिग्मा बॉन्डों को रिप्रेजेंट किया है। हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन के 2pz के अंतर्गत, हम यहाँ पे देखिए 2pz बना रहे हैं, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz। हमें पता है कि प्रत्येक के पास इसने संकरण में भाग नहीं लिया था, और ऐसे हमारे चार कार्बन्स के पास में क्या है, 2pz के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन शेष है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं इनको कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे बनाना है। ये भी कौन सा है भाई, 2pz वाला है, इस कार्बन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेष है। इसी प्रकार से दूसरा वाला यहाँ पे है, ये भी कौन सा है भाई, 2pz वाला है, इसके पास में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन शेष है। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन हो गया, और इसका भी कौन सा भाई, 2pz वाला है, और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन शेष है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के हैं जिसने संकरण में भाग लिया है, इनको मैं रिप्रेजेंट अलग से कर देता हूँ। जबकि एक 2pz इसके पास में भी था, और इसके 2pz के पास में इसने भी संकरण में भाग नहीं लिया था, और इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन शेष थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेष थे। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे होता क्या है, अब होती है ये क्या है, एक ही प्लेन के अंतर्गत है। यदि यहाँ पे एक प्रकार से जो ओवरलैपिंग का टाइप है, और वो यहाँ पे होता है समपार्श्विक अतिव्यापन। जी हाँ, हमें पता है पाई बॉन्ड जो इनका फॉर्मेशन है वो होता है समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कोलैटरल टाइप की ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे देखिए ये दोनों ओवरलैप्ड करेंगे इस प्रकार से, और इसी प्रकार से ये दोनों ओवरलैपिंग प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि ये वाले जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से नजर आ रहा होगा कि एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, तो आपको केवल एक ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ यानी कि दिखाई देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम डायग्राम के अंतर्गत 2D के अंतर्गत यहाँ पे हम बना रहे हैं। यदि 3D ये स्ट्रक्चर होती, और इसे जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है, इसी कारण से इस 2D स्ट्रक्चर्स को आपको ये इमेजिनेशन करना होगा कि ये दोनों जो लोब्स हैं वो एक ही प्लेन के अंतर्गत हैं। इसी कारण से यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और इस टाइप की जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये किस प्रकार की है, समपार्श्विक ओवरलैपिंग, या जिसे अतिव्यापन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है, या तो हम यूं कर यहाँ पे ये डायग्राम आप बना लीजिए, फिर इस स्ट्रक्चर्स को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपन, यानी कि थोड़ा और समझने यानी और जानने का प्रयत्न अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के दौरान आखिर में होने क्या वाला है,
अपन यू कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यदि मैं इस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इन दोनों बोर्डों के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को उतारिएगा। इस स्ट्रक्चर को उतारने के बाद में यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस प्रकार से कर सकता हूं। देखिए ये पाई बोर्डों का फॉर्मेशन हो चुका है, अर्थात मैं यू कह सकता हूं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की बन चुकी है क्या भाई, ये वाला ऑक्सीजन हो गया इस प्रकार से। इसके पास में ये तो दोनों लोन पेयर हो गए, ये बाकी जिसने संकरण में भाग लिया था वो वाले लोन पेयर हो गई। अब देखो ये वाले पाई बोंडों का हमने यहाँ पे फॉर्मेशन समझा है इस प्रकार से। तो ये दोनों पाई बोंड किस प्रकार से बने हैं हम उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूं रेजोनेंस की, आप इस स्ट्रक्चर को साथ में बनाइएगा, यानी साइड में इस स्ट्रक्चर को इधर साइड में बना लेना कि किस स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। यदि इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस को भी यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि अनुनाद को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो देखिए भाई क्या हो सकता है। देखिए इन दोनों लोब्स के बीच में भी क्या ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए ये लोब और ये लोब्स के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? इसी प्रकार से यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इस प्रकार से भी ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। और इस ओवरलैपिंग को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से बना देते हैं। ये कार्बन हो गई, चारों के चारों कार्बन हो गई, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये हमारा ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बन से इस प्रकार से, ये वाले तो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करने के तरीके इस प्रकार से हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब एक यू हो सकता है कि इस प्रकार से भी ओवरलैपिंग अपन यू कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कौन से हैं, ये 2p-Z वाले। तो जी हाँ 2p-Z वाले हैं ये सारे के सारे। तो प्रत्येक के पास में हमें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक 2p-Z के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन वाले के पास में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये ओवरलैपिंग इस प्रकार से भी वही रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं, या तो ये दोनों, यानी कि अपन यू कह सकते हैं ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी कि एक प्रकार से यू बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर अपन यू कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए हमने रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से भी हो सकती है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप बना सकते हैं, और अपन यू कहें कि इस रिंग में इन दोनों रिंगों को आप पहले उतारिए फिर इसके बाद में और बात करते हैं अपन। तो लाइक यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करूं तो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में अब यदि मैं बात करता हूं तो रेजोनेंस पॉसिबल है, अर्थात कॉन्जुकेटेड स्टेट की पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? जी हाँ, तो यहाँ पे सायुग्मी अवस्था की पॉसिबिलिटी होने के कारण यहाँ पे कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो रेजोनेंस है अपन ने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, तो ये कंप्लीट रिंग में क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो अपन इसको कंप्लीट रिंग में रिप्रेजेंट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी तो लाइक ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। तो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारे पास यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रॉन नजर आए, यानी कि बीच में कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन के बीच ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे केवल सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो शेष बच्चा जो कंप्लीट रिंग में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट रिंग में विस्थानीकृत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पाई बॉन्ड यानी कि पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को इस फ्यूरियन की को आज जाने पाए हैं। तो इस आशा करता हूँ ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।